अभी ये देखिए, अभी हम आपको गोंद के तीरा दही के साथ खिला के दिखाते हैं। ये हमारी पपीज है। अब ये देखिए कितने मजे के साथ खाना स्टार्ट करेंगे। खाओ, ये वीडियो में इतना ही। कोई भी मेरा फ्रेंड अगर मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज को लाइक कीजिए, कॉमेंट ज्यादा से ज्यादा कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्रीकेट एग्रो फार्म्स। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज बहुत ही ज़्यादा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए और आपके डॉग्स के लिए और आपके अदर एनिमल्स और पेट्स के लिए। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा एक ऐसा देसी नुस्खा जो हेल्दी रखेगी आपकी और आपकी डॉग्स और आपकी पेट्स की लाइफ को। क्योंकि आज की बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए आप देख पा रहे हैं कि इस गर्मी के अंदर बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है हम लोगों को भी, ह्यूमंस को भी और एनिमल्स को भी। जो भी आप पेट पाल रहे हो, चाहे वो आपके डॉग्स है, चाहे कैट्स है, चाहे वो अदर लार्ज एनिमल्स है, जो भी आप पाल रहे हो, सब लोग गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान है। और गवर्नमेंट ने ये अलर्ट भी हीट वेव का जो जारी किया है, इसके बाद तो गर्मी को बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा है। क्योंकि जो गर्म हवाएं चल रही है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है हमारी भी हेल्थ के लिए और हमारे डॉग्स और हमारे अदर पेट्स की हेल्थ के लिए भी। बट इस चीज़ को उससे कैसे बचा जाए, उसी चीज़ के लिए मैं आज आपके सामने एक के साथ एक वीडियो और एक देसी नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और बहुत ही ज़्यादा कारगर है। अगर आप उसको यूज़ करते हो या अपने पेट्स को यूज़ करवाते हो तो कभी भी आपके डॉग्स में कभी भी किसी भी गर्मी से रिलेटेड आपको कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे। क्योंकि आप देख पाते हो कि इस गर्मी के अंदर बहुत सारी ब्रीड्स में हीट स्ट्रोक आते हैं। जो कोट वाली ब्रीड है, चाहे वो आपके जर्मन शेफर्ड्स हो, लैब्राडोर्स हो, या सेंट बर्नार्ड हो, चाउचाउ हो, या अदर ब्रीड्स हो, सब लोग इस मौसम में आके, इस गर्मी के मौसम में आके सब लोग परेशान हो जाते हैं। और उस गर्मी से बचाने के लिए बहुत सारे इंडिविजुअल अपने डॉग्स का जो लार्ज कोट ब्रीड्स हैं उनके कोट्स को वो ट्रिम कर देते हैं, कट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों से आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ऐसी एक देसी रेमेडी जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप सभी के लिए और आपके डॉग्स के लिए। और इसके लिए, इसलिए इस रेमेडी को जानने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसमें जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही ज़्यादा एक देसी पर्टिकुलर, अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं क्या बोलूँगा, एक पर्टिकुलर ये देसी नुस्खा है जिसको हम गोंद कतीरा बोलते हैं। ये हर स्टेट में आई थिंक हो सकता है कि इसके नाम अलग अलग हो, लेकिन जो इसका काम है वो सेम है। इसको गोंद कतीरा बोलते हैं। गोंद कतीरा अपने आप में बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स है विटामिन्स का। इसमें विटामिन बी बहुत ही भरपूर मात्रा में, साथ में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मल्टीविटामिन्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है जो आपके डॉग्स को हेल्दी रखेगी। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कंटिन्यू, अगर गर्मियों के सीज़न में अगर आप गोंद कतीरा का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके डॉग में कभी भी हीट स्ट्रोक नहीं आएगा, कभी भी वो डिहाइड्रेट नहीं होगा, उसकी बॉडी सदा हाइड्रेट रहेगी, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो कभी भी लीन नहीं होगा, अनहेल्दी नहीं होगा। आप हमारे डॉग सारे के सारे देखेंगे, हमारे डॉग्स जितने भी हैं वो सारे के सारे, हम इसको अपने डॉग्स की डेली की रूटीन डाइट में एवरीडे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नॉट ओनली डॉग्स, हम अपने हॉर्सेस को भी देते हैं, अपनी काउज को भी देते हैं। तो गोंद की तरह के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स अगर आप इसको बारे में सर्च करोगे, आपके डॉग्स में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। गर्मियों के सीज़न में आपका डॉग का जो स्टमक है वो बिल्कुल फूल रहेगा और हेल्दी रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर किसी भी पर्टिकुलर डॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो उसमें कभी भी कोई भी बीमारियाँ नहीं लगेगी। तो अभी हम चलो बात करते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। इस्तेमाल के लिए गोंद कतीरा जो रॉ फॉर्म में आता है, किसी भी, ये है गोंद कतीरा। ये गोंद कतीरा माय डियर फ्रेंड्स, ये रॉ फॉर्म में है। ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे, आपके जहाँ पे जो पंसारी होते हैं, जो जड़ी बूटियाँ रखते हैं, उनकी दुकान पे आपको इजीली मिल जाएगा। ये इसकी रॉ फॉर्म है। और ये रॉ फॉर्म के बाद हम इसको इस तरीके से बना लेते हैं, ये इसकी जो हम डाइट में ऐड करेंगे ये वो वाली फॉर्म हो जाती है। इसको करते कैसे, जो ये रॉ फॉर्म है इसको हम आपके डॉग्स की लाइका की अगर मैं बात करूँ तो, अगर आपके पास एक पर्टिकुलर डॉग है, एक डॉग है, तो आपको उसकी डाइट के अंदर एक टीस्पून गोंद कतीरा डालना है, जो उसकी मॉर्निंग की डाइट है उसमें। वो डाइट में आप कर्ड भी यूज़ कर सकते हो, कर्ड के साथ भी आप दे सकते हो, लस्सी के साथ भी आप दे सकते हो, या जो आपका डॉग बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, जो भी डाइट खाना, जो भी फीड खाना, आप उसके साथ भी ऐड कर। तो आप गोंद कतीरे को किसी भी डाइट में यूज़ करके अपने डॉग को दे सकते हो। जैसे कि इसको देना कैसे है, आपने गोंद कतीरा लेके उसको आप अपने डॉग के अकॉर्डिंग लाइक ऐसे एक टीस्पून या दो टीस्पून लेके आप उसको ओवरनाइट पानी में डिप कर दीजिए। लेकिन पानी में डिप करने के लिए आप जब भी इसको भिगोते हो तो सदा मिट्टी के बर्तन में आप भिगोइएगा। तो उसके बाद जब ये भीग के इस तरीके का हो जाता है, इस तरीके का होने के बाद जो भी आप डाइट आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि हम लोग अपने सारे पपीज़ को, अपने डॉग्स को देते हैं तो हम दही के साथ देते हैं, तो ऐसे करके हम इसको दही में मिक्स कर लेते हैं। और दही में मिक्स करने के बाद
दही में हम पूरा मिक्स कर देते हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, जो गोंद कतीरा होता है माई डियर फ्रेंड्स, वो बिल्कुल टेस्टलेस है। इसमें कभी भी आपका डॉग कभी भी यही नहीं करेगा कि आप उसको कोई नई चीज़ खिला रहे हो। बस आप डाइट में, जिस भी डाइट में दे रहे हो, आप उसको प्रॉपर उसमें मैश करके दे दीजिएगा, मिक्स करके दे दीजिएगा। आपका डॉग इसको खाएगा और सदा हेल्दी रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, कभी भी उसको गर्मी नहीं लगेगी, कभी भी हीट स्ट्रोक नहीं आएगा और आपके पैट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। तो इस तरीके से आपने गोंद कतीरे को दही में मिक्स कर लेना है, लस्सी में भी मिक्स कर सकते हो, या आप डॉग फीड में भी मिक्स कर सकते हो, या कोई अगर होम मेड फूड दे रहे हो आप उसमें भी मिक्स कर सकते हो। तो जैसे हमने अपने पपीज के लिए ये गोंद कतीरा भी रेडी कर लिया है और इसको हमने मिक्स कर लिया है, अभी चलिए हम आपको बताते हैं आप इसको खिलाते कैसे हैं। अभी ये देखिए, अभी हम आपको गोंद कतीरा दही के साथ खिला के दिखाते हैं। ये हमारे पपीज हैं, अभी देखिए कितने मजे के साथ खाना स्टार्ट करेंगे। आओ, तो माय डियर फ्रेंड्स देख पा रहे हैं कि ये बहुत मजे से खा रहे हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? बिकॉज ऑफ की जो गोंद कतीरा फुली टेस्टलेस है। तो आप भी अपने डॉग्स को ऐसे ही दीजिए, हेल्दी रखिए। जो भी आपके पपीज है, आपके डॉग्स, अगर आप गोंद की तरह कंटिन्यू अगर गर्मी में देते हो तो कभी भी उनको हीट स्ट्रोक नहीं होगा, कभी भी उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी मेरा फ्रेंड अगर मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कॉमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।